दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम्स में। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में और जो सस्पेंस है रिजल्ट को लेकर वो भी दूर करेंगे आज हम, क्योंकि आज 26 तारीख जो 26 जनवरी 2019 है की नई अपडेट आई है हिंदुस्तान.com की, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको कट टॉप भी बताएंगे जो बहुत ही कम रहने वाली है कट टॉप, और उसके कारण भी बताएंगे और नॉर्मलाइज्ड के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ कि रिजल्ट कब आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है 26 जनवरी 2019 की 8:27 की। RRB ग्रुप डी द्वारा रिजल्ट 31 जनवरी को जारी हो सकते हैं और ग्रुप डी के नतीजे 31 जनवरी को रिजल्ट जारी हो सकता है ग्रुप डी का। दोस्तों, हम इस पूरी खबर को पढ़ते हैं और बाद में आपको कट ऑफ विस्तार से बताएंगे कि नॉर्मलाइज्ड कैसे होगा, कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे, और 15 नंबर वाला है ना उसका भी सिलेक्शन होगा इसमें, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2018-19 के नतीजे जारी करने वाला है। इससे पहले RRB की ओर से ग्रुप डी परीक्षा की आंसर की जारी की गई थी। इन आंसर की से उम्मीदवारों को 19 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था, जो 19 तारीख तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते थे और कई कैंडिडेटों ने कराई भी है। और RRB ने 19 जनवरी के बाद आपत्ति दर्ज कराने की विंडो बंद कर दी गई। अब उन आपत्तियों को जांच का मामला चल रहा है और अब इन आपत्तियों पर जांच का मामला चल रहा है दोस्तों, और ये 31 जनवरी तक रिजल्ट घोषित करने का अनुमान है। मतलब 2-3 दिन में ये रिजल्ट आ जाएगा और 15 नंबर से भी कम मिट जाएगी इसमें, निचली सबसे नीची कैटेगरी की 15 नंबर है, और वो मैं ऑफिशियली आपको बताऊँगा। और आंसर की पर आई आपत्ति की जांच कर रहे पैनल, और यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो अंतिम और संशोधित आंसर की जारी की जाएगी। खबरों के मुताबिक RRB ग्रुप डी परीक्षा के परिणामों की घोषणा 31 जनवरी को देर रात शाम तक कर दी जाएगी, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह है कि रिजल्ट जारी होने की आधिकारिक पुष्टि के लिए RRB के संबंधित वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहें। और हम लगातार दोस्तों इस पर बने हुए हैं, चेक कर रहे हैं, जैसे भी आपको रिजल्ट आएगा तो आपको तुरंत सबसे पहले बताएंगे। और अब हम चलते हैं कट ऑफ पर बात करते हैं। दोस्तों, कट ऑफ का मैं आपको आपके पास एक ग्राफ लेकर आया हूँ जिसे आपसे आसानी से समझ आएगा। उसमें मेल, फीमेल और सभी कैटेगरियों की कट ऑफ दी हुई है। और सबसे पहले हम नॉर्मलाइज्ड की बात बताता हूँ दोस्तों। जिसके नंबर अब 30 नंबर बन रहे हैं ना, उसके नंबर नॉर्मलाइज्ड के बाद 60 हो जाएंगे, और सबूत के साथ, क्योंकि ये पीछे LLP में हुआ है, पीछे ALP में हुआ है दोस्तों, जिसके नंबर दुगने बढ़े हैं ALP में। तो यही इसी पेपर में, कई दोस्तों पेपर आसान थे जिससे कई कैंडिडेटों के नंबर 55 तक नंबर बन रहे हैं, 55 से 60 तक नंबर बन रहे हैं क्योंकि पेपर आसान थे। और कुछ पेपरों में कैंडिडेटों के मतलब 30 से कम नंबर बन रहे हैं और 30 तक नंबर बन रहे हैं कुछ में। तो शोर सी बात है कि 30 वालों का नॉर्मलाइज्ड बढ़ेगा और दुगना होगा 30 वालों का नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि वे पेपर बहुत दिन चले थे और जो पेपर थे, कई पेपर बहुत आसान थे और कई पेपर बहुत हार्ड थे। आसान थे उनमें बहुत जनों के नंबर ज़्यादा बन रहे हैं 55 से भी ऊपर, और आसान थे उसमें 30 तक नंबर बन रहे हैं। और अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। तो जर्नल की कट ऑफ दोस्तों 30 है रो मार्क्स द्वारा, यानी कि अब आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उसके द्वारा 30 अगर आपका पेपर हार्ड था, और अगर हार्ड था पेपर और अगर आपके 30 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, फिजिकल में नंबर आपका आ सकता है आगे मेरिट जो बाद में जाएगी। और जो जर्नल फीमेल की है वो 25 तक रह सकती है, जर्नल फीमेल की कट ऑफ 25 तक रह सकती है। और अब OBC की बात करें तो OBC की 25 मेल की रह सकती है, और जो फीमेल की बात करें तो उसमें 20 से 22 तक रह सकती है। और OBC कट ऑफ और 80 की कट ऑफ की बात करें तो 20-22 के लगभग रहेगी मेल की, और फीमेल की 20 से कम ही रहेगी। और इतने ही नंबर बन रहे हैं जिसका पेपर हार्ड था, और ये रो मार्क द्वारा कट ऑफ है, रो मार्क की कट ऑफ है। जो आगे कट ऑफ जाएगी
जो फिजिकल के बाद या रिजल्ट के बाद कट ऑफ होगी वो कट ऑफ होगी 45 से 50 के बीच, क्योंकि जो नॉर्मलाइज्ड होगा जैसे जनरल की 45 से 50 के बीच कट ऑफ होगी, क्यों 50 से ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि 30 30 अब ड्रो मार्क है तो वो 60 तक बढ़ सकते हैं। और ST की कट ऑफ 15 रहेगी, 15 तक, और ST की कट ऑफ है जो 15 नंबर तक रहेगी दोस्तों, फीमेल की इससे थोड़ा कम रहेगी। और ये रो मार्क जो बढ़ेंगे तब इससे दुगने हो सकते हैं दोस्तों, अगर आपका पेपर हार्ड था तो। और मेल है फीमेल की मैंने आपको अलग अलग कट ऑफ बताई है अब, और मैं अलग से इसे बता देता हूँ जो आपकी आसानी होगी, कि जनरल 30 27 यहाँ आपसे अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जनरल की 30 है और फीमेल की 27 है। और दोस्तों आप चिंता करने की कोई बात नहीं, 31 तारीख को रिजल्ट घोषित हो जाएगा और आपको सब पता चल जाएगा आपका हार्ड था तो। अगर आपने कम किए उसमें, जो कम किए हैं पेपर में तुक्के कम मारे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब दुगने से भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और ज़्यादा तुक्के मारे हैं तो थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा। अगर हार्ड पेपर था तो आपको बेनिफिट है क्योंकि ये रो मार्क्स है, और आगे ये नंबर बढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो पल पल की सही अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हम रिजल्ट आते ही तुरंत आपको इन्फॉर्म करेंगे, और सही सही रिजल्ट आएगा तब ही इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद।